अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो उड़ीसा के अंदर ट्रेन हादसा हुआ, ये एक ऐसा हादसा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा हादसा नहीं देखा और ना मेरी आंखों ने कभी ऐसा हादसा देखा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि उस हादसे के अंदर तकरीबन 250 लोग हलाक हो गए और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। ये अपने आप में एक बड़ी दुख भरी खबर भी है और बहुत अफसोस का मकाम है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा से ही अभी एक जस्ट बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है। खबर यह है कि उड़ीसा के अंदर एक और ट्रेन हादसे की खबर है। बताया जा रहा है कि घटना बरगढ़ ज़िले में सांभर धारा के पास हुई है। चूना पत्थर ले जा रही एक मालगाड़ी के करीब 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये पूरी खबर मैंने आपके सामने रखी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेन हादसा जो पहले हुआ वो भी अपने आप में बड़ा अफसोसनाक था और ये जो हादसा हुआ है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। बड़ी दुख भरी खबर है। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, कोई कहीं से आ रहा होगा, कोई किसी का बेटा होगा, कोई किसी की माँ होगी, कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी का शौहर होगा। न जाने लोग कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ से कहाँ आ रहे होंगे। उस हादसे के अंदर बहुत सारे लोग जो है इंतकाल भी कर गए, हलाक हो गए। और तो दोस्तों, ये खबर मेरे सामने आई वो मैंने आपके सामने रख दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।